मध्य प्रदेश विधानसभा में सोमवार से शुरू हुए बजट सत्र में कई मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह ने हाल ही में पिपरिया से पकड़े गए आईएसआईएस के 3 संदिग्ध आतंकियों का मामला उठाया, जिस पर गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि ये आतंकी अलकायदा और आईएसआईएस से प्रभावित थे। भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में ब्लास्ट करने वाले आईएस आतंकियों और नेपाल में गिरफ्तार रेल हादसों के मास्टरमाइंड के बीच कनेक्शन का पता लगने पर सामने आया है कि उन्होंने सीरिया जाने की कोशिश भी की थी। भोपाल एटीएस द्वारा गिरफ्तार 3 आतंकी इस समय एनआईए की रिमांड पर हैं। मध्य प्रदेश में महिलाओं के गायब होने के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, पुलिस महिलाओं का पता लगाने में भी नाकामयाब साबित हुई है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बीते 3 सालों में मध्य प्रदेश से 19,820 महिलाएं गायब हो चुकी हैं, जिनका पता नहीं लगाया जा सका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदाबेन उज्जैन पहुंची, जहां उन्होंने महाकाल के दर्शन किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने कहा कि वे अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे जनता को काफी उम्मीदें हैं। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अलग अलग विभागों के तकरीबन 10,000 सब इंजीनियर 21 मार्च से सामूहिक अवकाश पर जाएंगे। इंजीनियर्स के अवकाश पर जाने के बाद मनरेगा, सड़क निर्माण, भवन निर्माण सहित तमाम कार्य प्रभावित होंगे। खंडवा में कानूनी कार्रवाई में उलझे एक वृद्ध के शव का 2 जगह अंतिम संस्कार होगा। वृद्ध ट्रेन की चपेट में आ गया था, जिसके बाद उसका धड़ वहीं रह गया, जबकि सिर 12 किलोमीटर दूर तक इंजन में ही फंसा रहा। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। शीतलाष्टमी के अवसर पर प्रदेश भर में महिलाओं ने अपने बेटे बेटियों की लंबी आयु और बेहतर स्वास्थ्य के लिए व्रत रखा। इस मौके पर प्रदेश भर के मंदिरों में शीतला माता को शीतल खाद्य पदार्थों का भोग लगाया गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रानी अवंतीबाई के बलिदान दिवस पर प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजधानी भोपाल में लोधी क्षत्रिय समाज की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री उमा भारती भी शामिल हुई। प्रदेश में अरब सागर से आ रही नमी के कारण कई स्थानों पर बादल छाने और बूंदाबांदी होने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक एक बार फिर से हवाओं की दिशा उत्तर पश्चिमी हुई है, ऐसे में सोमवार रात तक कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी की संभावना है।